हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त पुष्पा, पुष्पा टंडन। आज हम बात करेंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे, हस्बैंड के 10 क्यूट नेम, जिससे आप अपने हस्बैंड हस्बैंड वाइफ के प्यार को, बॉयफ्रेंड के प्यार को कैसे बढ़ा सकते। हमारा इंटेंशन आज सिर्फ इतना है कि आप अपने हस्बैंड का प्यार कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको किस नाम से पुकार सकते हैं। तो ऐसे ही 10 क्यूट नेम लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने। ये पर्सनली मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा है कि वो अपने हस्बैंड से कैसे बुलाती हैं। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए कि हम अपने हस्बैंड को किस किस नाम से पुकार सकते हैं, किस किस नाम से बुला सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। प्यार का इजहार करने के लिए 4 ऐसे नेम लेकर आई हूँ मैं, उनके थ्रू आप उनके साथ प्यार भी बढ़ा सकती हैं, उनका इजहार भी कर सकती हैं। तो 4 ऐसे क्यूट नेम हैं जिनसे आप प्यार का इजहार भी कर सकती हैं। और प्यार को बढ़ाने के लिए ऐसे 3 नेम हैं, और रोमांटिक मूड बनाने के लिए भी 3 नेम हैं। तो चलिए देखते हैं वो नेम कौन से हैं जिससे आप अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं, ऐसे क्यूट नेम हैं, अपने हस्बैंड को कैसे बुला सकती हैं आप। हाँ, और ऐसे जेंट्स हैं वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं ये तो हमारे लायक है ही नहीं, तो हम क्यों देखें इनका वीडियो, तो बिना स्किप किए देखिए आप जरूर ये वीडियो। अपनी वाइफ को शेयर करिए, अपने वाइफ को दिखाइए वीडियो। अगर वो आपको नहीं पुकारती हैं नाम से, ऐसे क्यूट नाम से, तो उनको दिखाइए, उनको बोलिए आप कि देखिए इनका वीडियो देखिए, मुझे भी कुछ नेम से पुकारिए आप, देखिए झट से वो दूसरे दिन से आपको कैसे पुकारना शुरू कर देती है। तो है ना मज़ेदार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यार का इजहार करने के लिए ऐसे 3-4 नेम हैं जिसे आप अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं और साथ ही साथ प्यार का इजहार भी कर सकती हैं। तो ऐसे सबके सामने तो हम नहीं बुला सकते, तो कुछ ऐसे नेम हैं जिन्हें आप बुला सकती हैं, उनको उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और उनसे प्यार का इजहार भी होगा। तो चलिए देखते हैं वो क्यूट नेम कौन कौन से हैं। प्यार का इजहार करने के लिए सबसे पहला है मिस्टर परफेक्ट। मिस्टर परफेक्ट कह के आप उनको बुला सकती हैं। मिस्टर परफेक्ट आप इसलिए बोल सकती हैं क्योंकि बहुत हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं और पत्नी जो उनको बताई रहती हैं वो सभी काम बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए पत्नियां अपने हस्बैंड को मिस्टर परफेक्ट करके बुला सकती हैं। और दूसरा है हबी जी बोल सकती हैं, उन्हें बहुत प्यारा लगता है, जो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ जी भी जो लगा है तो ऐसे रिस्पेक्ट देना चाहते हैं आप, तो उनको हबी जी करके बुला सकती हैं। तीसरा है आई कैंडी। आई कैंडी भी एक बहुत अच्छा नेम है। जैसे कुछ हस्बैंड और वाइफ में ऐसे क्या होता है, कई रिलेशन वाले आए रहते हैं तो उनके बीच में इशारों में आँखों से इशारे करके कुछ बोल जाते हैं और उनको वो समझ जाते हैं। तो ऐसे हस्बैंड को आप जो आंखों से इशारा करते हो, ऐसे हस्बैंड को आप आई कैंडी भी बुला सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा नेम है। और चौथा है हैंडसम। तो चौथा नेम हैंडसम है, तो आप अपने हस्बैंड को हैंडसम करके भी बुला सकती हैं, बहुत अच्छा लगता है ये, मेरा फेवरेट। ये तो रहे कुछ इजहार करने वाले नेम। 2-4 नेम प्यार को बढ़ाने के लिए है। सबसे पहला है इसमें जानू बोल सकती हैं आप उनको। जानू भी एक बहुत प्यारा नेम है जिसे बोलने में बहुत प्यारा लगता है। और बनी बोल सकती हैं। मेरी एक सिस्टर हैं जो अपने हस्बैंड को बनी करके बुलाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका, जब वो बुलाती हैं उनको तो बहुत अच्छा साउंड आता है, इसलिए मुझे ये नाम बहुत पसंद है। और बेबी करके बुला सकते हैं, इसमें आप अपने हस्बैंड को बेबी करके बुला सकते हैं, अपनी वाइफ को भी बेबी करके बुला सकते हैं, तो ये दोनों के लिए अच्छा लगता है। और सुपरमैन भी बोल सकते हैं आप। सुपरमैन भी एक बहुत अच्छा नेम है।
जो सभी कामों को अच्छा करता है, परफेक्टली होता है और सही टाइम पे पहुंच जाता है, उनको हम सुपरमैन कह सकते हैं। और एक तो आप उनको सरनेम से भी बुला सकते हैं, जैसे आपका सरनेम जो भी है, जैसे मेरा सरनेम टंडन है तो मैं उनको टंडन जी करके बुला सकती हूँ, तो ऐसे भी आप उनको बुला सकते हैं टंडन जी, वो भी सुनने में बहुत प्यारा लगता है, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और एक नेम और है इसमें, हॉटी करके भी बुला सकते हैं, हॉटी भी बहुत अच्छा नेम है, हॉट हैंडसम, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार को और बढ़ा सकते हैं। रोमांटिक मूड के लिए भी बहुत सारे नेम होते हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहला है डार्लिंग, तो अपने हस्बैंड को आप डार्लिंग करके बुला सकते हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और प्यार भी बढ़ता है। और स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट भी बोल सकते हैं आप उनको, स्वीटी बोल सकते, स्वीट टू बोल सकते हो, स्वीट हार्ट बोल सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा नेम है, स्वीट टू बोल सकते हो आप, वो भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और जैसे वाइफ को आप स्वीटी बोल रहे हो तो उसको आप स्वीट टू बोल सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगता है। और चांद, लास्ट नेम चांद भी बहुत प्यारा नेम है। तो ये तो रहे हस्बैंड्स नेम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलिए। अगर आप इस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं कि वाइफ के लिए भी कुछ नेम ऐसी ही हो, रोमांटिक सा कुछ अच्छा सा नेम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।